दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तेज से मशहूर हुए उभरते सितारे सिद्धू मूसेवाले की लाइफ स्टोरी के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंजाब व विदेशों में रहने वाले भारतीयों में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने सिद्धू मूसेवाले का नाम नहीं सुना होगा। सिद्धू मूसेवाला पंजाब ही नहीं विदेशी धरती पर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसकी आज की नई पीढ़ी बहुत ज़्यादा दीवानी है। तो आइए जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी और इनकी लाइफस्टाइल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप इनके फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें आई एम फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला। उनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्ध है, निक नेम सिद्धू मूसेवाला। प्रोफेशन से वो एक सिंगर है। सिद्धू मूसेवाले का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा के मूसेवाले गांव में हुआ था। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। बात करें इनकी शुरुआती शिक्षा की तो उन्होंने अपना गांव मूसे के सरकारी स्कूल में से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगामी पढ़ाई के लिए सिद्धू मूसेवाले ने लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन ये अपने बचपन से ही संगीत में रुचि लेते थे, इसलिए इन्होंने कनाडा जाने का मन बनाया और अपना करियर वहाँ से शुरू किया। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। इनकी लंबाई है 6 फीट 2 इंच, वजन है 85 किलोग्राम, बॉडी मेजरमेंट 43 31 14। इनकी आँखों का रंग भूरा है, बालों का रंग काला है। नेशनैलिटी से यह एक इंडियन है और रिलीजन से सिख है। आइए इनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में जान लें। इनके पसंदीदा अभिनेता दिलजीत दोसांझ हैं, पसंदीदा गायक कुलदीप मानक, पसंदीदा भोजन बटर चिकन और राजमा, पसंदीदा स्थान कनाडा, पसंदीदा रंग काला, पसंदीदा खेल फुटबॉल, हॉबीज कार ड्राइव करना और शॉपिंग करना। अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। सिद्धू मूसेवाले का पिता का नाम भोला सिंह सिद्धू है और माता का नाम चरण कौर सिद्धू है। उनकी माँ गांव मूसा की सरपंच है। सिद्धू मूसेवाले का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम गुरप्रीत सिंह सिद्धू है। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। सिद्धू मूसेवाले की शादी अभी तक नहीं हुई है, अभी वह अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगा रहे हैं। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। मूसेवाले ने अपने करियर की शुरुआत सबसे पहले निंजा द्वारा गाए गीत लाइसेंस के गीत लिखने के साथ की और जी वैगन नामक युगल गीत पर अपने गायन करियर की शुरुआत की। अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने ब्राउन ट्रैक्स के साथ विभिन्न ट्रैक्स के लिए सहयोग किया जो विनर्भ संगीत द्वारा जारी किए गए थे। इन्हें सबसे पहले प्रसिद्ध इनके गीत सो हाई से मिली। 2018 के अंतिम दिनों में इन्होंने अपना पहला एल्बम PB X1 रिलीज किया जो बिलबोर्ड कनाडिया एल्बम चार्ट पर प्रदर्शित किया गया। एल्बम के बाद इन्होंने अपने गीतों को स्वतंत्र रूप से जारी करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उनका एकल 47 UK एकल चार्ट पर रैंक हुआ था। 2020 में सिद्धू को 50 नए कलाकारों में द गार्जियन द्वारा नामित किया गया। उनके 10 गाने UK एशियन चार्ट पर पहुंच चुके हैं जिनमें से 2 चार्ट में सबसे ऊपर हैं। उनका बम्बिया बोले ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक चार्ट पर शीर्ष 5 में दर्ज रह चुका है। अब जान लेते हैं इनके घर के बारे में। इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद सिद्धू अपने गांव में ही रहना पसंद करते हैं। अपने ज़मीन से जुड़े होने के कारण सिद्धू कहते हैं कि मैं अपने गांव को कभी नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से सिद्धू ने अपने गांव में अपनी एक हवेली बनाई है और वह अपने पूरे परिवार के साथ इसी गाँव में रहते हैं। आइए जान लेते हैं उनके पास कौन सी कार है। गाड़ियों की बात की जाए तो सिद्धू मूसेवाले के पास ब्लैक रंग की रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, स्विफ्ट डिज़ायर जैसी कई लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाले के पास मॉडिफाइड HMT 5911 और Ford 6600 जैसी लाखों के ट्रैक्टर और रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक भी मौजूद है। रेंज रोवर कार की कीमत लगभग 80 लाख के आसपास है। आइए जानते हैं इनके इनकम के बारे में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू आज करीब 1 से 2 मिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। वह आज एक लाइव शो के लिए 15 से 18 लाख और एक नाइट क्लब शो के लिए 5 लाख चार्ज करते हैं। सिद्धू मूसेवाले की कुल संपत्ति में उनके पास मौजूद आलीशान घर, कई लग्जरी गाड़ियाँ और ज़मीनी जायदाद मौजूद है। अब जान लेते हैं उनकी कुछ अनसुनी बातें।
इनका उपनाम इनके गांव मूसा के ऊपर रखा गया है, जिससे आज के समय में वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी 7 साल की उम्र से ही संगीत सीखना प्रारंभ कर दिया था और बताते हैं कि जब वह 6 वर्ष के थे तभी से इन्होंने हिप हॉप संगीत सुनना प्रारंभ कर दिया था। इनके पिता पहले फौज में थे, जिन्हें लड़ाई के दौरान कुछ चोट आने के बाद उन्होंने फौज छोड़ दी और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। वह चन्नी बांका को अपना गॉडफादर मानते हैं क्योंकि वह चन्नी थे जिसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में मूसेवाले का पेश किया और कनाडा में खुद को स्थापित करने में मदद की। तो यह थी सिद्धू मूसेवाला की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप सिद्धू मूसेवाला के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें यह ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किसके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।